लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए हुई शादी। विवाह समारोह की चकाचौंध में लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं और शान शौकत के आगे रुपए कोई मायने नहीं रखते। जहां विवाह के एक माह पहले से तैयारियां हो जाती है, लेकिन अजमेर के भगवानगंज क्षेत्र के राम मंदिर में अनोखी शादी देखने को मिली, जहां ना कोई इस दौरान बारात निकली और ना बैंड बाजे की स्वर लहरियां भी नहीं गूंजी। बस एक दो घंटे में चट मंगनी चट ब्याह हो गया और शादी में सिर्फ लड़का लड़की के परिवार वाले ही उपस्थित रहे। वही शादी में लॉकडाउन के नियमों की भी पालना की गई, जहां शादी में सोशल डिस्टेंस की पालना हुई और सभी ने मास्क भी लगाई। दीपक और हीना की शादी सभी के लिए बहुत यादगार रही। वही लड़के के ने बताया कि शादी में लॉकडाउन के नियमों की पालना की गई और साथ ही शादी के बाद सभी को 100 मास्क और सैनिटाइजर भी दिए जाएंगे। वही उन्होंने बताया कि बच्चों की यह शादी बहुत यादगार रहेगी। लॉकडाउन के दौरान इस वक्त शादी करके आप क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, ताकि अच्छा लग रहा है और लॉकडाउन की पालना भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रॉपर तरीके से अच्छे से शादी कर रहे हैं। और तो मतलब सारी जो भी गवर्नमेंट ने नियम लगाया उसी के अकॉर्डिंग ध्यान में रख के सारी चीज़ों का शादी कर रहे हैं। हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। हम कलेक्टर के हर एक नियम का पालन करते हुए शादी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे भतीजे दीपक विजयवर्गीय, पुत्र श्री शिवनारायण जी विजयवर्गीय, पटेल नगर तोपदड़ा निवासी की शादी कुमारी हिना डॉटर ऑफ श्री विल्सन राव की पुत्री से हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों परिवार से हम साथ साथ लोग आए हैं, बहुत शांतिपूर्वक सादगी से मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और आज हमारा एक उद्देश्य है, हम 100 मास्क और 100 सैनिटाइजर कैप लेके आए हैं, वो आसपास वालों को बांट रहे हैं। और इस शादी से जो खर्चा बचेगा हमारी कोशिश रहेगी दान पुण्य वाली संस्थाओं को या गौशाला वाली संस्थाओं को जितना हमसे हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे। नाम जगदीश नारायण विजयवर्गीय।